Good evening. This Adnan is speaking. So your first history is class today? Yes. Well, I must say, I understand that ICLC history is very, very interesting. And I will also make full efforts to make it as interesting as it is for you. We will start with civics today. Our constitution. What do you know about our constitution? Is the book with all the rules and regulations that should be followed by the country and its people? Yes, very good. It's a book with a set of rules. Who wrote this book? Maybe a man. Yes, only one person. He wrote the full book. And the members of the National Congress. No, you must say drafting committee. Okay, if anyone asks you who wrote this constitution, you will say drafting committee. Today we are going to study in detail about everything here. This book, constitution, kahan se aaya, why it had to be made. Now, when do we celebrate the Republic Day? 26th of? January 1950 was the day when we adopted this constitution. कोई भी बुक रहता है ना उस बुक को अगर उसमें कोई सेट ऑफ रूल्स लिखा है तो उस बुक को हमने क्या किया अपने आप को गिफ्ट दिया वी इंडियंस हैव गिफ्टेड दिस बुक टू आवरसेल्फ दैट इज व्हाई वी यूज द वर्ड दैट वी हैव अडॉप्टेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन ओके देन लेट मी डिवाइड द बुक इनटू टू पार्ट्स पहले वाले पार्ट में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थिंग्स दैट हैपेंड बिफोर इंडिपेंडेंस Before independence, or you may say partition. Okay. And then in this part, you will discuss the aftermath. What do you understand by the word sovereign?
सुना है ना, वर्ड तो सुना है, सोवरेन, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है? फ्रीडम, इज इट जस्ट फ्रीडम? When I'm saying India is a sovereign country, then it means that अगर मैं इंडिया को कंट्री मानती हूँ तो बाकी कंट्रीज भी तो इंडिया को कंट्री मानते हैं, yes or no? अगर मैं इंडिया को कंट्री मान रही हूँ लेकिन चाइना इंडिया को कंट्री नहीं मानता, अगर यूएसए इंडिया को कंट्री नहीं मानता, तो क्या हम सोवरेन बन पाएंगे? नहीं, अदर कंट्रीज ऑल्सो शुड एग्री नो दैट इंडिया इज अ कंट्री एंड दैट्स अ नेशन विद सम पीपल. The constitution with their own set of rules, and it is a pre-independent country. It is not under the shackles of any foreign rule. So, what word you use for that? Sovereign. Okay. And when I say democratic, what does that mean? The government is selected by the people. For the people, and it is of the people. Who gave this definition? Abraham Lincoln. Okay, this definition about democracy was given by Abraham Lincoln. Otherwise, it's very correct. Then, what do you understand by the word republic? It is not under rule of any other country like British countries. What else? Exact pinpoint meaning of republic is, हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट है, हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, we have many other high posts, CM, governor, etc. क्या ये सभी पोस्ट हेरिडेटरी है? मतलब पीएम नरेंद्र मोदी का बेटा ही अगला पीएम बनेगा क्या? इम्पॉसिबल. पहले तो बेटा ही नहीं है उनका, और अगर होता तो भी वो बन नहीं पाता. इट इज सिंपली ओवर द बेसिस ऑफ मेरिट दैट वन गेट्स इलेक्टेड टू दैट हाई पोस्ट. तो हमारे यहाँ पे क्या ये हाई पोजिशन हेरिडेटरी है? बिल्कुल नहीं है. तो अगर हेरिडेटरी नहीं है तो फिर कैसे है? इट इज ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, on the basis of capacity, capability, the deserving candidate gets, that's republic. Okay? अगर आप ब्रिटेन के बारे में कभी भी न्यूज वगैरह पढ़ते हो तो आपको ये तो पता होगा कि ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन ब्रिटेन कभी भी अपने आपको रिपब्लिक इस वर्ड से नहीं पता था, बिकॉज ब्रिटेन इज नॉट रिपब्लिक. ब्रिटेन हैज स्टिल मोनार्की इन इट्स फॉर्म, yes or no? उनके आप लोग रानी है, वो टूटी, वो अभी अभी गई ना. एंड देन उसके बच्चे हैं अभी जो राजा बने, वो भी एक अलग ही हुआ, राजा चार्ल्स बना है. सो ऑल दीस थिंग्स दैट इंडिकेट्स दैट दे आर स्टिल फॉलोइंग द हेरिडेटरी थिंग, यस और नो? सो जो रानी थी उसके ही बच्चे राजा बनेंगे, राजा के बच्चे राजा बनेंगे, बट दैट्स नॉट द सिनेरियो इन इंडिया. वी हैव कंप्लीटली डिफरेंट फॉर्म, सो दैट इज व्हाई वी आर सीइंग रिपब्लिक. कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट का मतलब, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉम्प्रिहेंसिव? कॉम्प्रिहेंशन कैसे आता है ना पेपर में, लिखते हो ना कॉम्प्रिहेंशन, क्या होता है? इट्स अ ऑटो गिवन पैसेज टू अस. ओके, व्हाट एल्स? देयर आर सम क्वेश्चंस वी विल गेट. विल यू बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस विदाउट रीडिंग द पैसेज? विल हैव टू फर्स्ट रीड द पैसेज. रीड कर लिया, समझ में ही नहीं आया पैसेज, तो क्या क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे? नो. Again, you will have to read the passage, you will have to understand the passage, and then you will have to attempt the questions. Na? So, ye bhi aisa hi. Constitution kya hai? It's a comprehensive document. That means, yahan pe sab kuch included. Aisa koi bhi aspect hamare country ka nahi hai chhut gaya. Usne saari cheezon ko nikal kar dala hai aur usse ye book banaya hai. That is why we call it the comprehensive document. Then, our government is divided into three parts. Do you agree with? Why three parts? Which are those three parts? First part is the legislature. Then next part is executive. Then judiciary. Why have we kept these divided like this? अगर इन तीनों को एक ही आदमी के हाथ में सौंप देते तो क्या हो जाता? Power concentration हो जाता ना. वो तो क्या करना है? डिसेंट्रलाइजेशन करना है. वी हैव टू डिवाइड द पावर्स. व्हाट पावर लेजिस्लेचर हैज? इट मेक्स लॉ, यस और नो? देन व्हाट एग्जीक्यूटिव डज?
executes the laws. Yes, sir. Then what judicial leaders would have? Interprets law. Interprets. अब दो लोग जब झगड़ा करते हैं तो सही क्या है और गलत क्या है कौन बताता है? जुडिशियरी बताता है ना, दैट इज अवर कोर्ट. सो व्हाट वर्ड यू विल यूज? इंटरप्रेट्स द लॉ. सो वी आर हैविंग ऑल द गवर्नमेंट डिवाइडेड इनटू द थ्री ऑर्गन्स एंड दीस थ्री ऑर्गन्स आर इंडिपेंडेंट एज वेल एज दे आर इंटर रिलेटेड. हाउ इंटर रिलेटेड? बिकॉज व्हेन आई एम सेइंग एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव में कौन आता है? मिनिस्टर आता है ना, पुलिस आती है, प्रशासन आता है, एडमिनिस्ट्रेशन आता है. वो कैसे फंक्शन करेंगे? इनके लॉ बनाए हुए लॉस के हिसाब से ही तो ये लोग फंक्शन करेंगे ना. और इनके लॉस को इंटरप्रिटेशन में अगर कुछ गलती हो जाए, इनको समझ में नहीं आ रहा, तो फिर कौन करेगा? जुडिशियरी. सो ऑल थ्री आर इंडिपेंडेंट एज वेल एज इंटर रिलेटेड. ओके, देन इट मॉडरेट्स द रिलेशंस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द गवर्न्ड. हु इज द गवर्नमेंट हियर? ये तीनों मिला के हम कह सकते हैं दीज आर द पार्ट्स ऑफ आवर गवर्नमेंट. एंड हु इज द गवर्न्ड? गवर्न कर रहा है ना ये सब. गवर्नमेंट किसके ऊपर शासन करती है? अपने प्रजा पे, अपने लोगों पे. लोग तो हम हैं. देन प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजंस बाय रिस्ट्रेनिंग द गवर्नमेंट. ओके, टेल मी, अगर कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कोई देखी नहीं है तो क्या हो जाता है? कैसे भी मिस यूज हो सकता था. यस, करेक्ट. सो यू डोंट नो. So we have started with our constitutional chapter with that, and just we are discussing the introduction about it. So I have just introduced that the government is divided in three parts: legislature, executive, and judiciary. And these government people, they govern us. That is the people. We are the people, citizens of India. Therefore, I mean, government govern karti hai. Then what would happen if there was no constitution? That was what I was asking them. They just replied that things would have gone haywards, misrule ho jata, bahut zyada extended powers logo ko mil jata. Then, for smooth governance and welfare, what do you understand by the word welfare? For the welfare of the citizens, we have our constitution. So what is this welfare? लोगों के हित के लिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल. यस, फॉर द गुड ऑफ द पीपल वी हैव दिस कॉन्स्टिट्यूशन. कोई भी आर्बिट्री डिसीजंस ना ले. आर्बिट्री मींस बिना किसी कंट्रोल के, बिना किसी पावर चेक के अगर एक्सटेंडेड अथॉरिटी पीएम मोदी के पास आ जाए या फिर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के पास आ जाए तो वो हमारे सिर पे ही खड़े हो जाएंगे. यस और नो? तो इसके लिए क्या चाहिए? कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए दैट विल पुट अ चेक ऑन देयर powers. That is why we are having this constitution. Then koi bhi absolute monarchy or dictator na bane, isliye hamare paas constitution hai. Now what is monarchy, what is dictatorship, and how do you differentiate between them? Any idea? Pehle to monarchy kya hai wo thoda socho aur batao mujhe. What is monarchy? Is a type of rule that from a king, his son will rule. Yes. No one other can rule. Very good. Then what is dictatorship? Monarchy is on the basis of heredity. जो राजा है उसका ही बेटा क्या बनेगा? राजा बनेगा. काबिल हो ना हो makes no sense. राजा का बेटा पूरा पागल ही रहेगा तो वो क्या बनेगा? राजा बनेगा. डिक्टेटरशिप क्या है? एब्सोल्यूट पावर किसके पास होता है? दोनों में ही होता है. यस और यहाँ पे भी मोनार्क क्या दिखती है? एब्सोल्यूट रूलर. उसने कहा कि भाई ऐसा करना है तो हर कोई वो काम करेगा ही करेगा.
कोई उसको अपोज नहीं कर सकता। यहाँ पे भी डिक्टेटर क्या होता है, एब्सोल्यूट रूलर होता है, पर क्या डिक्टेटरशिप में हेरिडिटी वाला कॉन्सेप्ट चलता है क्या? नहीं, इन डिक्टेटरशिप यू डोंट हैव हेरिडिटी। डिक्टेटरशिप को एक बेस्ट एग्जांपल से देखा जाए तो वो क्या है, क्या है, जर्मनी में ना हिटलर था ना, डिक्टेटर ही तो था ना, तो हिटलर के माता पिता क्या राजा थे जर्मनी के पहले? नहीं, उसके पास लीडरशिप पावर्स अच्छे थे, उसके पास लीडरशिप क्वालिटी अच्छी थी, इसीलिए वो क्या बन गया, डिक्टेटर बन गया। तो उनके मरने के बाद क्या उनका बच्चा वहां का डिक्टेटर बन पाया? नहीं, जो भी नेक्स्ट डिजर्विंग होगा उसको क्या बना दिया जाएगा, डिक्टेटर। खैर वो तो अलग बात है कि जर्मनी में उसके बाद डिक्टेटरशिप बंद भी हो गया और उन्होंने गवर्नमेंट शुरू करी, बट इफ दे आर कंटिन्यूड विद डिक्टेटरशिप तो नेक्स्ट कैपेबल लीडर वुड हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिक्टेटर और वो अपनी मनमानी करता फिर। ओके, तो डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में फर्क क्या है, मनमानी नहीं कर सकते एब्सोल्यूट रूलर, यस और नो? पर यहाँ पे क्या होता है, डिक्टेटरशिप में मनमानी कर देते, उनको जो सही लगे वो वही करते हैं। ओके, एनी डाउट इन द इंट्रोडक्शन पार्ट? सबको समझ में आया अभी तक की कहानी? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना ना, वो अचानक से नहीं बना बेटा, उसके लिए बहुत पहले से प्लानिंग हो रही थी, बहुत सारे पहले से ही चीजें डिसाइड करी गई। If I talk about the baby steps of making of Indian Constitution, so it traces back to a long period of time. आप लोगों ने साइमन कमीशन के बारे में तो पढ़ा। साइमन कमीशन में क्या हुआ था? Something जो याद आता है वो आप बता सकते। ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल करते थे और वो अपनी मनमानी करना चाहते थे क्योंकि वो अपने आप को रूलर बनाए रखना चाहते। तो उन्होंने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करने के लिए, मतलब और पैसा कैसे चूस सकते हैं इंडिया से ये डिसाइड करने के लिए उन्होंने एक साइमन कमीशन बनाई थी। उस साइमन कमीशन को वो इंडिया क्यों भेजे थे, टू मेक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब ऐसा तो नहीं कहना है कि हम और पैसा चूसने के लिए नए नए पैसे आजमाना चाहते हैं इसीलिए आ रहे, तो एक अच्छे वर्ड में लपेट के उन्होंने बताया था कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करने वाले। तो कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म करने वाले हो तो उसमें इंडियंस को रखो ना, क्योंकि इंडिया के बारे में रिफॉर्म्स करने वाले हो। लेकिन उसमें एक भी इंडियन नहीं था साइमन कमीशन में। सारे के सारे 7 लोग कहाँ से आए थे, ब्रिटेन से आए थे। ये बात जब इंडियंस को पता चली तो इंडियंस का दिमाग खराब हो गया, गुस्सा आ गया हम लोगों को, भाई ये तो इंसल्ट है ना हमारे लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तुम लोग रिफॉर्म्स कर रहे हो और हमारे लोगों को नहीं रखा, दिस इज अनफेयर। और जब ये बात उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बिर्केनहेड से पूछा गया तो वो क्या बोलता है, उसने कहा कि तुम इंडियंस तो बेवकूफ हो, तुम लोग तो आपस में ही लड़ झगड़ रहे हो, तुम्हारे अंदर यूनिटी नहीं है, एक तो मुस्लिम लीग बन के बैठा है, दूसरा हिंदू महासभा बन के बैठा है, तीसरा कोई गांधी जी बन के बैठा है, तुम लोगों के हर एक के सोच अलग अलग है, तुम लोग कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन कर पाओगे, इतनी तुम लोगों की हैसियत ही नहीं है। ब्रिटिश का आदमी कौन था, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बिर्केनहेड, दैट्स नॉट द पॉइंट फॉर यू टू रिमेंबर। जब ये बात बोली गई ना तो इंडियंस को बड़ा गुस्सा आया, बात तो सच्ची थी लेकिन, क्योंकि हम लोग झगड़ तो रहे थे और हम सब लोग डिवाइडेड भी थे। तो जब ये बात इतनी चुभी ना तो फाइनली एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी में हेड किसको रखा गया, मोतीलाल नेहरू को। मोतीलाल नेहरू कौन है, हू इज मोतीलाल नेहरू? जवाहरलाल नेहरू के पप्पा ना, है ना? तो जवाहरलाल नेहरू के पप्पा को उसका हेड रखा गया और उसके बाद मोतीलाल नेहरू ने एक छोटा सा रिपोर्ट बनाया कि उन्हें क्या लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या क्या होने चाहिए इंडिया के लिए। उसी रिपोर्ट को क्या कहते हैं, नेहरू रिपोर्ट। ये पहला स्टेप था टुवर्ड्स मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये बहुत ही छोटा बेबी स्टेप था, इससे कुछ होने वाला तो नहीं था। ये रिपोर्ट को उन्होंने बड़ी आसानी से क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। वो तो वैसे भी नहीं मानने वाले थे, वो अपने ही कमीशन की बनाई हुई रिपोर्ट को देखने वाले। फिर आए बहुत सारे अलग अलग ऑफर, अगस्त शॉकर आया, वेबल्स प्लान आया, बहुत सारी चीजें आई। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स अब डर रहे थे। क्यों डर रहे थे? क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो चुका था और वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू में उनको इंडिया से हेल्प चाहिए थी, सोल्जर्स चाहिए थे उनको इंडिया से, तब जाके वो ये बहुत जीतने वाले थे। और हमारे इंडियंस, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग देम, व्हाई वुड वी हेल्प ओवर एनिमी, यस और नो? तो उन्होंने मना कर रहे थे,
उनको मनाने के लिए इन्होंने बहुत सारे अलग अलग ऑफर लिए रखे थे. दे ब्रॉट अगस्त ऑफर, रेबल फ्लैग, क्रिप्स मिशन, सो मेनी थिंग्स दे ब्रॉट. एवरीथिंग वाज फेल. एवरीथिंग गॉट फेल बिकॉज सब में कुछ ना कुछ लूप होल था. अल्टीमेटली कैबिनेट मिशन प्लान आता है. क्या आ जाता है? कैबिनेट मिशन प्लान. तो बिफोर इंडिपेंडेंस, बिफोर पार्टीशन की बात करें तो कैबिनेट मिशन प्लान जब इंडिया आता है ना, तो कैबिनेट मिशन प्लान क्या बोलता है? झगड़ा बंद, हिंदू मुस्लिम का जो भी झगड़ा है ना वो बंद करो, और उसको बंद करके एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ. और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करेगी? द वर्क ऑफ राइटिंग कॉन्स्टिट्यूशन. क्या काम करेगी बेटा? ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम करेगी. कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से सुझाव ये था कि इसमें कितने टाइप के लोग होने चाहिए. एक तो जनरल कैटेगरी, दूसरे सिख होने चाहिए, और तीसरे मुस्लिम. तो कैबिनेट मिशन के हिसाब से उन्हें क्या लगा था, इंडिया में बस ये तीन ही कैटेगरी के लोग रहते हैं. एक तो जनरल, उसमें सब आ गए, फिर दूसरा है सिख, तीसरा है मुस्लिम. इन सबको मिला के एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का काम शुरू करो. बिकॉज सूनर देन लेटर वी आर गोइंग टू सेट यू फ्री. आज नहीं तो कल हम इंडिया छोड़ के जाने वाले हैं. छोड़ के गए तो कुछ ना कुछ होना चाहिए जिसके हिसाब से तुम अपनी सरकार चला सको. एवरीवन गेटिंग मी? एनी डाउट इन दिस पार्ट? सब समझ में आया आज तक? ठीक है. तो अब इन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात रखी ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, तो यहाँ पर 9 दिसंबर को 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की क्या होती है बेटा? फर्स्ट सिटिंग होती है. अरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग आए कहां से? कौन लेके आया था इनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? ये 9 दिसंबर में जो लोग आए वो कहाँ से आए थे, जरा उसके बारे में डिस्कस करते. आज के डेट में हमारे पास इंडिया में क्या है? वी हैव अवर पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में दो हाउसेस हैं, एक है अपर हाउस, दूसरा है लोअर हाउस. अपर हाउस क्या है? राज्यसभा है. लोअर हाउस है आपका लोकसभा. लेकिन उस समय जब हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिला था, पार्टीशन नहीं हुई थी, तब इंडिया का सिनेरियो क्या था? उस समय इंडिया में इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ क्या हुआ करती थी? इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती. इस इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली के भी क्या थे? दो हाउसेस थे, एक का अपर हाउस और दूसरा क्या था बेटा? लोअर. अपर हाउस के बारे में मैं बात नहीं करना, उसे भी काउंसिल ऑफ स्टेट्स ही कहा जाता था उस समय, लेकिन दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ आवर डिस्कशन. ये जो लोअर हाउस था इसे क्या कहेंगे? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली. क्या कहेंगे इसको? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली. इसका ही दूसरा नाम क्या था? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली. मतलब होता है ना घर पे हमको प्यार से ऐसे बुलाते हैं, तो इसी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का दूसरा नाम क्या था? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली. आज इंडिया में क्या है बेटा? आज इंडिया में स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज है. लेकिन ब्रिटिश इंडिया में स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज नहीं हुआ करती थी. ब्रिटिश इंडिया में प्रोविंसेस हुआ करते. क्या हुआ करते थे? प्रोविंस. ये प्रोविंसेस कौन से थे? सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, बॉम्बे प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस, पंजाब प्रोविंस, आसाम प्रोविंस. आर यू गेटिंग मी? अगर मैं यूनाइटेड प्रोविंस बोलूँ तो उसमें बहुत सारा कुछ आ जाता था. अवध आता था, उत्तर प्रदेश आ जाता था, बिहार आ जाता था, मेनी थिंग्स. अगर मैं सेंट्रल प्रोविंस बोल रही हूँ तो उसमें खानदेश वाला एरिया आ जाता था आपका, छत्तीसगढ़ आ जाता था आपका, मध्य प्रदेश आ जाता था. ये सारा कुछ किसमें आता था? सेंट्रल प्रोविंस में. और अगर मैं पंजाब प्रोविंस कहूंगी तो उसमें आपका राजस्थान आता था, हरियाणा आता था, फिर पंजाब वाला एरिया जो आज इंडिया में है, उसके अलावा जो पाकिस्तान में पंजाब था वो भी आता था. बहुत ऐसे बड़े बड़े प्रोविंसेस हुआ करते थे. इन प्रोविंसेस में इलेक्शंस हुए. क्या हुए इन प्रोविंसेस में? इलेक्शन. अब इन इलेक्शंस में वोट करने क्या आप और हम जैसे आम आदमी गए थे उस समय? नहीं, क्योंकि इंडिया तभी क्या था? फ्री हुआ ही नहीं था ना. अभी भी हम किसके अंडर थे? ब्रिटिशर्स के अंडर थे. हमारे पास यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज का कॉन्सेप्ट अभी तक था ही नहीं.
हमारे लोग अगर हमारे लीडर्स अगर चाहते भी हो ना तो उसको इंप्लीमेंट नहीं करा सकते थे, क्योंकि हमें हर बात तो ब्रिटिशर्स की सुर्खी माननी पड़ती थी। तो ये जो इलेक्शंस हुए ना, वो यहाँ पर जो लोग थे जो पहले से काम कर रहे थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में, उन्होंने ही आपस में कुछ लोगों को क्या किया, इलेक्ट किया। क्यों इलेक्ट किया? ताकि आगे चल के वो किधर जाए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो आगे जाके क्या करने वाले थे, they were going to write the constitution. Are you all getting me? Things are very clear. कुछ डाउट है यहाँ तक? तो प्रोविंशियल असेंबली में इलेक्शंस हुए और कितने लोगों को जिताया गया, सिलेक्ट किया गया? 389 लोगों। कितनों को? 389। इस 389 को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक है 292, दूसरा है 93 और फिर तीसरा है 3। अब इसको क्यों डिवाइड किया गया है? 292 आर द इलेक्टेड पीपल, जो यहाँ इन प्रोविंसेस से, अलग अलग प्रोविंसेस से इलेक्ट होके आए हैं ना, वो लोग हैं। 93 कौन है? प्रिंसली स्टेट्स के लोग हैं, क्योंकि उस समय अभी भी बहुत सारे राजा महाराजाओं का भी एरिया था। ऐसा तो था नहीं कि सारे ब्रिटिश के ही अंडर थे, तो कुछ क्या थे, राजा महाराजाओं के एरिया थे। राजा महाराजाओं ने अपनी तरफ से एक 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 आदमी को भेजा था, वो कितने हो गए, 93। और आज के डेट में हमारे पास क्या है, यूनियन टेरिटरीज है। लेकिन उस समय यूनियन टेरिटरीज वाला फंडा नहीं था, उस समय क्या था, कुछ चीफ कमिश्नरी के अंडर आने वाले एरियाज हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अजमेर, मेवाड़, पूर्व ब्रिटिश बलूचिस्तान और दिल्ली भी, आज का दिल्ली। तो एक्चुअली 4 है, बट आपके बुक में 3 दिया है, सो आई हैव रिटन 3। ओके, सो ये 3 एरियाज यहाँ सबसे मिलाकर कितने लोगों को जिताया गया, 389। ये 389 लोग आगे चल के क्या करने वाले थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने वाले। इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम था। ये सब कुछ जब कहानी हो रही थी, तब मुस्लिम लीग के लोगों ने इस सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में से चुने जाने वाले लोगों को बायकॉट कर दिया। व्हाट डिड द मुस्लिम लीग डू? बायकॉट। क्यों? व्हाई डिड द मुस्लिम लीग बायकॉट? उनको तो पार्टीशन चाहिए था ना, उनको इंडिया के साथ रहना ही नहीं था, especially मोहम्मद अली जिन्ना। I shouldn't say the whole Muslim League or the whole Pakistan. The main ideology of getting partition was only one man, that was Muhammad Ali Jinnah. उनको चाहिए था partition. तो वो बोले कि नहीं, हमको तो इस 389 में आना भी नहीं है और हमको इसका हिस्सा बनना भी नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो लोग थे वो अभी भी क्या है, पार्टीशन से पहले के लोग है। तो मुस्लिम एरियाज में, यानी आज के जो इंडिया के मुस्लिम एरियाज है, वहां से भी और पाकिस्तान के एरिया से भी जो लोग थे, दे आर टुगेदर मेकिंग दिस 389। आर यू गेटिंग मी? ठीक है, अभी तक पार्टीशन हुआ नहीं है, तो जो असेंबली बनने की कगार में है उसमें तो पाकिस्तान के भी लोग है और कहाँ के लोग है, इंडिया के लोग भी है। बायकॉट सिर्फ किसने किया है? मुस्लिम लीग ने किया। ओके, देन वो मुझे छोटा पड़ता है, आई हैव टू डिलीट दिस, या आफ्टर मैं बाद में बताऊंगी आफ्टर में क्या हुआ था। पहले तो ये पार्टीशन के पहले की ही कहानी सुन। अब 9th दिसंबर को 1946 में ये सभी 389 लोग एक साथ आते हैं। इनकी क्या होती है, फर्स्ट सिटिंग होती है। इस फर्स्ट सिटिंग में दे इलेक्ट सच्चिदानंद, व्हाटएवर द स्पेलिंग इज, यू चेक सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा को क्या करते हैं, प्रेसिडेंट की तरह इलेक्ट करते हैं। लेकिन ये प्रेसिडेंट कैसे होते हैं, इट इज जस्ट टेम्पररी। कोई भी आप नई असेंबली या कमेटी बनाते हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक प्रेसिडेंट तो होना ही चाहिए, एक हेड पर्सन या चेयरपर्सन होना चाहिए। तो उसके लिए किसको चुना गया, सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। अब इनको ही क्यों चुना गया, क्योंकि वो उस असेंबली के सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे। कैसे मेंबर थे, ओल्डेस्ट, यानी उनकी उम्र कितनी थी उस समय, 75 ईयर्स। और ऐसा कहाँ होता है, इट हैपेंस इन फ्रांस। फ्रांस में जब भी कोई असेंबली बनती है या कोई नया संगठन बनता है तो उसमें से जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर होता है ना, उसको ही वो वहां का प्रेसिडेंट बना देते।
फिर अपना टाइम लेते हैं, चुनाव वगैरह करते हैं एंड देन दे फाइनली इलेक्ट द परमानेंट प्रेसिडेंट। ये कैसे थे? ये टेम्परेरी नेचर के थे। दो दिन बाद 11 दिसंबर को क्या होता है, 11 दिसंबर को इलेक्शंस के बाद राजेंद्र प्रसाद को क्या किया जाता है बेटा, प्रेसिडेंट के तौर इलेक्ट कर दिया। सो हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये सब कब की बात है, पार्टीशन से पहले की बात है, अभी तक पार्टीशन हुआ नहीं। फिर उसके बाद क्या होता है, लेट मी चेक इज देयर एनीथिंग एल्स दैट आई हैव मिस्ड आउट टू टेल यू। सारी बातें तो हो गई। फिर इसके बाद क्या होता है, 13th दिसंबर यानी दो दिन के बाद 13th दिसंबर के दिन 1946 को नेहरू जी आते हैं। नेहरू किधर आते हैं, उस सेंट्रल हॉल में आते हैं। सेंट्रल हॉल मतलब वही जगह जहाँ पे आज आपका पार्लियामेंट बैठता है, यू नो वहीं पे ये सब सिटिंग वगैरह कहाँ हो रही है, सेंट्रल हॉल में हो रही है। वहां पर नेहरू जी आते हैं एंड व्हाट ही सेज, ही प्रेजेंट्स ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। नाउ व्हाट इज दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, आज के डेट में आपने प्रीएम्बल देखा होगा इंडिया का, वी द पीपल ऑफ इंडिया adopt this constitution for a sovereign democratic republic socialist, ये सारे words है उसमें। तो ये जो preamble है उसका एकदम शुरुआती जो format था ना, वो किसने दिया था आपको, नेहरू जी ने दिया था। उसका नाम तभी क्या था, objective resolution। उसमें नेहरू जी ने क्या क्या बातें लिखी थी, in that he had said that India would be a republic जिसमें social, politic, economic, democracy होगी। So क्या आपके पास, आपको पता है India republic है? Yes, do we have India as a republic government today? Republic means जहाँ पे कोई hereditary ruler नहीं होता। हमारे PM मोदी के बाद क्या PM मोदी का बेटा ही PM बनेगा? No, impossible। तो republic है, हमारे पास social, political, economic democracy है। Society में हर कोई कहीं भी आ जा सकता है, किसी को कोई बंधन नहीं है, untouchability, दबी ऐसे ill चीजें होती नहीं है इंडिया में। अगर हो भी रही है तो इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब, अगर आप अंबानी जितने अमीर बनना चाहते हैं तो आप अपनी मेहनत से बन सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको लोन वगैरह चाहिए, गेट द लोन फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये सब। सो दैट्स इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब, जिसके पास पैसा है क्या वही पॉलिटिक्स में जाता है क्या? नहीं, हर कोई पॉलिटिक्स में जा सकता है, उसके पास अगर इंटरेस्ट है, लीडरशिप क्वालिटी है तो वो जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में और कि रिपब्लिक को ग्रांट फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स देने की बातें कही थी। और क्या बताया था, दैट इट कुड सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज एंड द बैकवर्ड क्लास। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइनॉरिटीज, इस वर्ड से क्या समझ में आता है आपको माइनॉरिटीज? खामियां नहीं बेटा, माइनॉरिटीज का क्या मतलब होगा? मेरे पास ये एक एरिया है, ये एरिया पता है क्या है, कोपर के राणी, ठीक है। इस कोपर के राणी एरिया में ना 400 लोग कौन सा लैंग्वेज बात करते हैं, मराठी। 50 लोग कौन सा लैंग्वेज बात करते हैं, हिंदी। 20 लोग कौन सा लैंग्वेज बात कर रहे हैं, गुजराती। और 30 जो बचे हुए हैं वो अदर लैंग्वेजेस का। तो इसमें से मेजॉरिटी कौन हुए, मराठी, क्योंकि 400 लोग है जो मराठी लैंग्वेज बात कर रहे हैं। बाकी के सारे क्या हो गए, माइनॉरिटी, क्योंकि इनकी संख्या क्या है, कम है, as compared to the one those who are speaking मराठी लैंग्वेज। तो ये सारे क्या हो गए, माइनॉरिटी। अब ये कैसा माइनॉरिटी है, लिंगुअल माइनॉरिटी। लैंग्वेज के बारे में बताया हुआ ये एक एग्जांपल है, क्योंकि मैंने लैंग्वेज के जरिए आपको बताया। ऐसा ही कास्ट में भी माइनॉरिटी हो सकते हैं। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में ज्यादा से ज्यादा हिंदू है, तो हिंदू फॉर्म दी मेजॉरिटी, और जो बाकी के कास्ट के लोग हैं या रिलीजन के लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, माइनॉरिटी हो जाएंगे। जैसे क्रिश्चियन है, सिख है, पारसी है, वो सब क्या हो जाएंगे, माइनॉरिटी हो जाएंगे। यस,
तो ये माइनॉरिटीज के जो राइट्स है ना वो हमेशा खतरे में रहते हैं, क्योंकि माइनॉरिटी तो लोग ही कम है ना, अगर लोग ही कम है तो उनके हित के बारे में सोचने वाले भी कम होंगे, और उनके बारे में सोचने वाले कम है तो उनके राइट्स सबसे पहले क्या हो जाते हैं, वायलेट हो जाते हैं। तो माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रिजर्व करना भी किसकी जिम्मेदारी है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन की जिम्मेदारी। और बैकवर्ड क्लासेस का मतलब कौन से क्लासेस आ गए इसमें, बैकवर्ड क्लासेस मतलब क्या, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैकवर्ड क्लासेस? ये वर्ड्स कभी सुने हैं बेटा? क्या है ये सब? अदर बैकवर्ड क्लासेस, अदर बैकवर्ड क्लासेस का मतलब है ओबीसी। देन ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, शेड्यूल्ड कास्ट, हाँ शेड्यूल कास्ट चाहिए, शेड्यूल ट्राइब, ये नोमैडिक ट्राइब्स, और ये क्या है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। ओके, तो ये सभी क्या है, बैकवर्ड क्लासेस। अब ये बैकवर्ड क्लासेस क्यों है, क्योंकि एक जमाने पहले इन लोगों को क्या बुलाया जाता था, बेटा दलित बुलाया था। इनके साथ क्या हुई जाती थी, अनटचेबिलिटी करी जाती थी। जो ब्राह्मण लोग थे, जो अपर कास्ट लोग थे इंडिया में, वो इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। इनको सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली क्या रखा गया था, बहुत ज्यादा सप्रेस्ड और बैकवर्ड, हाँ अलग करके रख दिया गया था इनको, इनको मिंगल नहीं करने देते। तो अब ये आज के डेट में भी क्या है, इंडिया में बैकवर्ड ही रहेंगे ना, अगर पहले से इतने सारे जनरेशन से इनको आप पढ़ने लिखने दे रहे हो, खाने पीने के लिए अच्छी चीजें नहीं दे रहे हो, बैकवर्ड रख रहे हो, आउटकास्ट कर रहे हो, तो अचानक से तो आगे जा नहीं सकेंगे ये लोग। तो इनको क्या कहा जाता है, बैकवर्ड क्लासेस कहा जाता है। और इन लोगों के लिए भी क्या दी गई है, स्पेशल रिजर्वेशन दी गई। अब इसके बारे में हम आगे कभी बात करेंगे डिटेल में, बट इन बैकवर्ड क्लासेस के राइट्स को भी प्रिवेंट करने की जिम्मेदारी किसकी है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन की। क्योंकि इसमें अगर नहीं लिखा जाएगा ना, तो इनके साथ फिर से ये सारे सिचुएशन कभी भी वापस आ सकते हैं। यस ऑर नो? सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी नेसेसरी टू सेफगार्ड देयर राइट्स इन द फॉर्म ऑफ यू नो देयर राइट्स इन द फॉर्म ऑफ लॉस इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बढ़ते हैं, अभी तक हमने कहां तक की कहानी डिस्कस की है, 13 दिसंबर 1946। इसके बाद कुछ ही दिनों में 22 जनवरी को, 22 जनवरी को क्या हो गया, 1946 को क्या हो गया बेटा, ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नेहरू जी लेके आए थे इस सेंट्रल हॉल में, जहाँ पे 389 के लोग बैठे हैं ना, उन सब ने कहा कि ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बहुत सही है और इसे हमें क्या करना चाहिए, एडॉप्ट करना चाहिए, इसे मानना चाहिए, और इसी के हिसाब से हमें क्या फ्रेम करना है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, थिंग्स आर वेरी क्लियर, ये लिखना चाहते हो तो लिख लो, राइट इट इन योर बुक, नहीं तो आपके पास अगर मोबाइल फोन है तो एक फोटो ले, मुझे चाहिए, आप फोटो लेकर उसके नोट्स को बाद में अपने बुक में लिखना चाहते हो तो लिख सकते, और अगर लिख रहे हो तो बी लिटिल फास्ट, क्विकली और बैटरी का। Just a small correction here. ये 389 नहीं, ये 385 है। क्या है बेटा? उसमें भी आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ यही लिखना 292 और 93, क्योंकि आपके जो मॉड्यूल के नोट्स है उसमें दे दिया है, कमिश्नरी के बारे में कोई बात नहीं की गई है तो वो ऐड ना करो, जस्ट मेक टू पार्ट्स एंड राइट 292 एंड राइट 93, दीज वर द इलेक्टेड, दीज वर द प्रिंसेस।
easy to remember and easy to process. There also are maybe same changes. Maybe find the other. From publication to publication, these numbers are varied. You can know why they are being created. What needs to have this daily find. Mostly you will be following from morning star only, na? This will be morning star ki book lagi hai, na? Okay. Okay, let's see. क्या अडॉप्ट किया है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वही आगे चल के क्या बनता है बेटा प्रीएम्प्टिव हो गया लिखकर फास्ट done? I'm not sure. Yeah, I'll just erase that part.
सो 9th दिसंबर को क्या हुआ था 9th दिसंबर 1946 को हुई आपकी पहली सिटिंग इस पहली सिटिंग में किसको प्रेसिडेंट बनाया सच्चिदानंद सिन्हा फिर 11th दिसंबर को क्या हुआ 11th दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया प्रेसिडेंट फिर उसके बाद क्या हुआ 13th दिसंबर को नेहरू जी क्या लेकर आते थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन फिर 22nd दिसंबर को क्या होता है सॉरी 22nd जनवरी और ये भी क्या हो जाएगा इधर बदलेगा ना 1950 हो जाएगा ये चेंज कर लो नो नॉट 1947 एक साल बाद ना साल तो चेंज होगा ना तो 22nd दिसंबर और नहीं सॉरी 22nd जनवरी 1947 को नेहरू जी का रेजोल्यूशन क्या हो जाता है एडॉप्ट कर लिया जाता है यस और नो और उसके बाद हमको इंडिपेंडेंस अब कब मिल रही है व्हेन डिड वी गेट अवर इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस मिला था उस दिन इंडिपेंडेंस किस दिन मिला बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है 15 दिसंबर हम किस एरा में कंसिडर करेंगे बिफोर इंडिपेंडेंस में कंसिडर करेंगे क्योंकि 15 अगस्त को तो क्या हो गया हमको इंडिपेंडेंस मिल गया था तो ये 14 अगस्त आने तक 9th दिसंबर से 14 अगस्त तक ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टोटल कितनी बार मिली 5 टाइम्स हाउ मेनी टाइम्स 5 टाइम्स अब देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है आगे की कहानी में इंडिपेंडेंस मिल जाती है अब इंडिपेंडेंस मिल जाती है तो उसके साथ साथ एक और बड़ी कहानी होती है और वो क्या हो गया पार्टीशन अब जब पार्टीशन हो गया बेटा आफ्टर इंडिपेंडेंस यहाँ फिर से लिख रही हूँ आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन अब क्या हो गया अब यहाँ पे जो पहले बने थे 385 लोग उस 385 लोग में मुस्लिम्स भी थे पाकिस्तान के भी थे इंडिया के भी थे हिंदू भी थे इंडिया के भी थे पाकिस्तान के तो इंडिया पाकिस्तान दोनों ने मिलकर क्या बनाया था 385 लोगों का एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लेकिन अब क्या हो गया पार्टीशन हो गया तो क्या ये मुस्लिम यानी जो पाकिस्तान के है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बने रहेंगे नहीं वो क्या करेंगे हमको तो जाना कहाँ जाना है अपने पाकिस्तान वाले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाना है हम आपका हिस्सा नहीं बने रहना चाहते तो अब 385 से कितना हो गया 385 से ये नंबर कम हो गया और कितने ऊपर गया 99 कितने यहाँ से चले गए पाकिस्तान में कितने लोग चले गए एटी फाइव लोग कहाँ चले गए बेटा पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए चले गए और यहाँ पे 86 जो भी है हम लोग एक एक्स नंबर कंसिडर करेंगे वैसे भी वो डेटा आपसे पूछा नहीं गया लेट्स कंसिडर एक एक्स नंबर जो माइनस करने पे आएगा वो कहाँ चले गए पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए चले गए अब ये कितने बचे रहे हमारे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बचे कहाँ पे बच गए इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और इंडिया वैसे तो हमें याद है कि कैबिनेट मिशन प्लान ने क्या कहा था कि तीन ही कैटेगरीज को भाव देना है एक तो जनरल मुस्लिम्स और सिख्स यस पर हमारे लीडर्स ने क्या कहा इतने से क्या होने वाला है हमारी इंडिया में तो बहुत सारी डाइवर्सिटी है तो उन्होंने क्या कहा कि हम सभी लोगों को अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए जैसे एंग्लो इंडियंस इंडियन क्रिश्चियंस
एससी एसटी वो लोग यानी कि जो अनटचेबल थे यस अनटचेबल्स फिर और कौन मुस्लिम्स को जो इंडिया में रहना चाहते वो मुस्लिम्स अलग जो पाकिस्तान चले गए और वो इंडिया का हिस्सा नहीं बने लेकिन ये तो वो मुस्लिम्स है जो इंडिया में रहना चाहते थे और कौन था हमारे पास सिख थे हमारे पास पारसी थे ओके तो ये सारे लोग थे इसके अलावा विमेन विमेन कैंडिडेट को भी क्या दिया गया रिप्रेजेंटेशन दिया गया और ये सब मिलकर किसमें आ गए बेटा ये 299 में आ गए इन सब ने मिलकर क्या बनाई है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है अब कुछ लोगों के नाम आपके बुक में दिए गए उनको डिस्कस करेंगे एंग्लो इंडियंस है मिस्टर फ्रैंक एंथनी एंड मिस्टर एस एच प्रैटर डू यू नो ऑल दिस एंग्लो इंडियन वो होते कौन है एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं इट मीन समथिंग फ्रॉम द ब्रिटिश ओके और एंग्लो इंडियन मतलब वो लोग जिनका एक पेरेंट वो भी कौन सा मेल पेरेंट वो कहां से है ब्रिटिश एंसेस्ट्री से है ओके उन्हें हम क्या कहेंगे एंग्लो इंडियन कहेंगे ऐसे कौन से दो लोगों को रिजर्वेशन मतलब इसमें रिजर्वेशन नहीं कहा जा सकता रिप्रेजेंटेशन कहा जा सकता है रिप्रेजेंटेशन किसको दिया गया फ्रैंक एंथनी और एस एच प्रैटर सिंस नाउ यू ऑल आर आईसीएसई स्टूडेंट्स यू माइट हैव हर्ड दिस नेम नो फ्रैंक एंथनी कहा सुना कब सुना लास्ट ईयर सुना था कहाँ आए थे वो Okay, I'll tell you, he is the founder of your ICSE board. जो आप ICSE board में पढ़ रहे हो ना आज इंडिया में वो इन्हीं की बदौलत शुरू हुई है इन्होंने ना सिर्फ इंडिया में शुरू किया बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्होंने ICSE board शुरू किया okay? So a big man, if you remember, right? फिर एस एच प्रैटर ये भी कौन थे ये भी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से थे he was a naturalist by profession, यानी नेचर के ऊपर पढ़ाई करते थे हमारे मुंबई में एक म्यूजियम भी है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम डू यू नो अबाउट इट प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम का नाम नहीं सुना है वो है उसका नाम अभी बदल कर छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय ऐसा हो गया है उस म्यूजियम के ये क्यूरेटर रह चुके हैं एक स्कूल में प्रिंसिपल सबसे बड़ा हेड होता है ना वैसे म्यूजियम का सबसे बड़ा हेड कौन होता है क्यूरेटर ओके सो एस एच प्रैटर वाज वंस अपॉन अ टाइम क्यूरेटर देन कुछ और नाम भी दिए गए हैं इन इंडियन क्रिश्चियंस यू हैव डॉक्टर एच सी मुखर्जी एच सी मुखर्जी एच सी मुखर्जी यस एंड द अदर नेम यू हैव इज जोसेफ डी डिसोजा जोसेफ डिसोजा आई जस्ट टेल यू द फुल फॉर्म ऑफ एच सी मुखर्जी एच सी मुखर्जी का नाम है हरेंद्र कुमार मुखर्जी And he was also the vice president of Constituent Assembly. आपके Constituent Assembly के president कौन है? राजेंद्र प्रसाद. और उसी के साथ साथ एक vice president भी होगा. वो कौन है? H.C. मुखर्जी. Okay? तो H.C. मुखर्जी ने और भी बहुत सारे काम किए हैं. लेकिन उसके बारे में discuss अभी नहीं करेंगे. He was also once upon a time the governor of West Bengal. दूसरे जो आदमी है वो है Joseph Joseph Alban D'Souza. After Joseph D'Souza. Joseph D'Souza के बारे में अगर कुछ कहूँ तो he was the mayor of Mumbai. अब मुंबई तो आज है लेकिन उस समय क्या था बॉम्बे था तो he was the mayor of Bombay. And besides that he was also one of the head person of Public Health Commission. लोगों के health स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना था काम. Then if we talk about the Parsis, we have Dr. H. P. Modi. डॉक्टर एच पी मोदी जिनका पूरा नाम क्या है होरमास जी फिरोज शाह मोदी एच पी मोदी का मतलब क्या है डॉक्टर होरमास जी फिरोज शाह मोदी और ये टाटा कंपनी के साथ एसोसिएटेड थे और बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे उस समय
अगर आज की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इतने बड़े बड़े ऊंचाई को छू पाए तो उनके साथ पहले के टाइम पर ऐसे बड़े बड़े लोग एसोसिएटेड थे, इसलिए वो छू पाई. Then you have Muslims, उनका नाम क्या है बेटा? जफर इमाम एंड मोहम्मद सदुल्ला. जफर इमाम एंड मोहम्मद सदुल्ला. अगर जफर इमाम की बात करूं तो एक राज्यसभा से वो एमपी रह चुके हैं, बिहार से एमपी रह चुके हैं राज्यसभा के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. और मोहम्मद सदुल्ला की बात करूं तो वैसे तो ये बहुत ही गरीब फैमिली में पैदा हुए थे. आसाम गन, तो आसाम में जो गुवाहाटी है कैपिटल, वहां पर ये पैदा हुए थे. बहुत ही ऑर्थोडॉक्स और पुअर फैमिली, मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए थे. बट डिफाइंग ऑल द ऑड्स ही कुड स्टडी एंड बिकम अ लॉयर. एक बहुत बड़ी बात है उनके लिए कि लॉयर बने, और बने ही उतना ही नहीं बल्कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी हिस्सा बने. और ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बेटा, आगे चल के ड्राफ्टिंग कमिटी का भी हिस्सा बनते हैं. अगर मैंने जो पहले आप लोगों से सवाल पूछा था कि क्या सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर ने ही कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, नहीं कहा था आप लोगों ने, और भी कुछ लोग थे उनके साथ जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, तो उनमें से एक कौन थे? मोहम्मद सदुल्ला. ओके, तो ड्राफ्टिंग कमिटी का भी ये हिस्सा है. फिर बात करते हैं सिख लोगों की, तो सिख कम्युनिटी से कौन आए बेटा? सरदार हुकम सिंह और उज्जल सिंह. सरदार हुकम सिंह और उज्जल सिंह. सरदार हुकम सिंह पहले तो हिस्सा नहीं थे, लेकिन जो एक आध सीट बीच में खाली हो गई थी, इतने तो पूरे नहीं थे, बीच में किसी की डेथ हो गई होगी या फिर रिप्रेजेंटेशन ज्यादा था इसीलिए कम कर दिया गया होगा, इसी बीच कुछ सीट खाली हो गई थी, तो उनको भरते समय सरदार हुकम सिंह को ले लिया गया. क्योंकि बाय दैट टाइम जो इंडिया में पंजाब है वो अलग हो गया था, पाकिस्तान का पंजाब क्या था, अलग हो गया था पार्टीशन के बाद. और इसी बीच जो पंजाब का हिस्सा था जो इंडिया में है, उसमें से रिप्रेजेंटेशन बहुत कम था, इसीलिए दो सिख को यहाँ से लिया गया, सरदार हुकम सिंह और उज्जल सिंह. उज्जल सिंह की बात करें तो ये तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय से हमारे इंडिया की पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हुए. हिंसा क्लियर, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दिया. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ नाम याद रखें. अब बात करती हूँ, इंडिपेंडेंस तो हो गया है हमारा, पार्टीशन भी हो गया है, मेंबर्स क्या हो गया बेटा? कम हो गए हैं. हमारे पास सिर्फ 299 मेंबर्स है. इन्हीं 299 मेंबर्स के साथ अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखना क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा. अब स्टार्ट कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया? तो सबसे पहली बात, हमने कहाँ तक की हिस्ट्री डिस्कस की थी? हमने हिस्ट्री डिस्कस की थी कब तक? कैबिनेट मिशन प्लान तक डिस्कस की थी. अब कैबिनेट मिशन प्लान ने तो क्या बना दिया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दिया था. अब वो वाली 385 या 389 वाली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो रही नहीं, उसमें से कम होते कितने हो गए मेंबर्स? 99 हो गए. लेकिन वो तो बात की बात है ना, कैबिनेट मिशन प्लान जब आया था उसके बाद ये जब आंकड़ा था, और उस समय कभी इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था, इट वॉज जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ हैपनिंग, तब एक आदमी इंडिया में आता, उसका नाम क्या था? माउंटबेटन. ये उस समय की बात है जब हमको अभी तक इंडिपेंडेंस नहीं मिला था, तभी कौन आए थे? माउंटबेटन आए थे. यही माउंटबेटन ने आगे चल के माउंटबेटन प्लान दिया. इसी प्लान के अंडर पार्टीशन हो गया. इन्होंने फाइनली मोहम्मद अली जिन्ना की बात मान ली और इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन करने से हाँ कह दिया था. और यही माउंटबेटन प्लान आगे चल के क्या हो जाता है? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. जब ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास होता है, कहां से पास होके आता है? ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास होके आता है, क्योंकि तभी हमारे पास तो इंडिपेंडेंस थी नहीं ना. जब ये एक्ट पास हुई तब कभी जाके हमको इंडिपेंडेंस मिला. तो इंडिपेंडेंस देने के लिए ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ, वो किसने बनाया था? माउंटबेटन ने. माउंटबेटन प्लान को ही क्या नाम दिया गया है अभी? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बनने के बाद जब फाइनली ये डिसाइड हो गया है कि अब हमारे पास कितने लोग हैं? 299 लोग हैं. इन्हीं 299 लोगों के साथ इंडिया की क्या बनेगी बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन बनेगी.
जब ये डिसाइड हो गया तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने को तैयार करने के से पहले इस 299 मेंबर्स को 8 कमिटीज में डिवाइड कर दिया गया। कितने कमिटीज में डिवाइड किया? 8 कमिटीज में डिवाइड किया। ये कमिटीज क्यों बने? अगर इन 299 लोगों से कहा जाता कि अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखो तो हमारे पास ऑलमोस्ट 300 अलग अलग वर्जन होता रहे। यस सर, तो ऐसा करने से तो अच्छा है कि सभी लोगों को एक एक इम्पोर्टेंट काम देकर इन सभी लोगों को 8 कमिटियों में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। इसी में से सबसे इम्पोर्टेंट और फर्स्ट कमिटी कौन सी थी? आपकी ड्राफ्टिंग कमिटी। ओके, इस ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन कौन बने, पता है आप लोगों को? बस बोल नहीं पा रहे हो आप। डॉक्टर बाबा सैलोनी, इतना सोचो मत, जो मुझे आना बोल। मेरे पहले के जो 9th के बच्चे थे ना, उनसे मैं क्वेश्चन पूछू पूरा पूछने से पहले आंसर दे देते थे। मोस्टली वो गलत ही होते थे, लेकिन इतना एक्साइटमेंट था उनको आंसर देने। तो आप लोग भी ऐसा एक्साइटमेंट। और क्या करना, आज जो कुछ भी पढ़ाया है ना, उसे घर जाके बस एक बार अपने कॉपी बुक से पढ़ लेना। ठीक है, आप टेक्स्ट बुक से भी पढ़ सकते हो, चाहे मॉड्यूल से भी पढ़ सकते हो, कहीं से भी पढ़ सकते हो। तो आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है ना, तो आप अगले क्लास में मुझसे पूछ सकते हो ये चीज। ओके, नहीं तो डाउट सारे क्या हो जाएंगे, फायदा हो जाएंगे। और लास्ट में समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली मैं क्या नहीं समझा, ऐसा लगने लगे कुछ भी नहीं समझा। यस और नो? तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए डे टू डे क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे। पढ़ेंगे तो डाउट्स अपने आप हाल में आएंगे, उसको लिख के रखना और अगले क्लास में पूछ लेना। वीकली एक बार तो मेरा क्लास है ना, ले लेना। अब 8 कमिटी बन गई। 8 कमिटी में से सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी कौन सी थी? ड्राफ्टिंग। वैसे तो मैं आपको 8 के 8 कमिटीज के नाम भी बता सकती हूँ, लेकिन वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो क्यों आप इतना प्रेशर ले लिए? मतलब एक ही कमिटी का नाम याद रखना है आपको, ड्राफ्टिंग का। ये ड्राफ्टिंग कमिटी के जो चेयरपर्सन बने या चेयरमैन बने, वो थे बाबा साहेब अम्बेडकर। इनको ही क्यों बना? और भी तो बहुत सारे लोग थे ना, उनको भी तो बना सकते थे ना, उनको क्यों नहीं बना? इनको ही क्यों बना? एनी आइडिया? बेटा उस समय ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हुए थे, इनके पास इतने डिग्री इतने क्वालिफिकेशन थी, शायद ही पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनका कोई पढ़ाई किया। और वो भी किस चीज की पढ़ाई किए थे? वो लॉ की पढ़ाई की। तो उनको पता था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिखना है, क्या लिखना है। एक्चुअली ही हिमसेल्फ बिलोंग टू महार कास्ट। महार कास्ट उस समय एक अनटचेबल या दलित कास्ट में गिना जाता था, उनको बहुत ही बैकवर्ड स्टेटस दी जाती थी सोसाइटी में। उस समय में उन्होंने जब अपना 4th स्टैंडर्ड क्लियर किया था ना, 4th स्टैंडर्ड, तो उनके कम्युनिटी के सारे लोग वहां पर उत्सव मनाने आए थे, क्योंकि इतनी बड़ी बात थी उनके लिए बस 4th स्टैंडर्ड क्लियर कर। उनके कम्युनिटी से वैसे पहले इंसान थे जिन्होंने 4th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई की थी, लेकिन आगे चल के वो और भी बहुत कुछ पढ़ते थे। ही डिड हिज बीए, ही डिड हिज एमए इकोनॉमिक्स में, उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की, वो भी विदेश जाके उन्होंने ब्रिटेन से लॉ की पढ़ाई की। फिर उसके बाद उन्होंने बीएससी किया था, एमएससी किया था इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में, और उसके अलावा उन्होंने पीएचडी करी थी। पीएचडी भी एक नहीं, 2-2 कोर्सेज में करी थी। तो ही वाज हाईली एजुकेटेड पर्सन, और उनका सारा एजुकेशन ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लायक था, इसीलिए उनको क्या बना दिया गया, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग का। क्या आगे की बात ना, अगले क्लास। एनी डाउट्स इन दिस क्लास? यस और नो? नो। एनी फीडबैक यू वुड लाइक टू गिव मी? नाम स्पीड थोड़ा ज्यादा है, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, कोई मन की बात वो तो बता सकते। सो शैल वी कंटिन्यू लाइक दिस ओनली फॉर द रेस्ट ऑफ द क्लास? ये खत्म होते हैं। अगले क्लास में खत्म हो जाएगा।
Immediately we start with this teacher. Why can they take care? Let's make one by one.